बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला के फजल और करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि बहन भाई हमारे यूट्यूब चैनल को लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि अमेमा बिटिया के पापा घर आए हुए थे, उनको कुछ ख़ास बना के दूँगी कि वो साथ भी ले जाएँ, उधर जाके भी खाते रहें जो क्यों उनके सेहत के लिए अच्छा होगा और कुछ ताकत वगैरह भी मिलेगी। सारी ताकत की चीज़ें बना के दूँगी। पापा और उधर गए चीज़ लेने के लिए तेरे पापा चीज़ लेने के लिए गए ना तेरे, अभी आ जाएंगे वो, देखो उधर बाहर आ रहे हैं। मामा बिटिया इस दफ़ा मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी अपने पापा से जब घर से जाएंगे, क्योंकि हर वक्त उसका पल छोड़ते हैं। नहीं, नहीं।, नहीं तेरे पापा गए नहीं बाहर आए, आ जाएंगे अभी। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। सामान सारा मैंने तैयार कर लिया है क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है, बाकी काम मेरा सारा करने वाला अभी पड़ा है। पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, बाद में दूसरे करूँगी। दुनिया सी चने लेके आए थी, वो भी मैं खुंडी च कोट लाया, अच्छी तरह पीस लिया, मगज भी कोट लाया, बादाम भी कोट ले कुंडी च, हर चीज़ मैं कुंडी च कुटी है। तो गरी मैं कद्दूकश की है। तो आए सौ सूजी सॉरी तो आ डोल रखे गई। तो सारिया चीज़ा सारा समान मेरा तैयार हो गया, तो हूँ मैं बनाना शुरू कर दी। मामा बेटी क्या कर रही हो? ये घी मैंने गैस के मैं डाल लिया है जो डोल में था। अब मैं चूल्हा करती हूँ, ये चूल्हा भी मैंने ऑन कर लिया है। अब घी मेरा गर्म हो जाएगा तो बाद में मैं दूसरी चीज़ें डालती हूँ। माशाल्लाह ये काफ़ी मज़े का इस तरह लगता है अगर इंसान अच्छी तरह बनाए तो काफ़ी मज़ा आता है खाने में भी। और पट्ठों का खचाव जो जोड़ों का दर्द वगैरह है या कमजोरी का कोई मसला है वो भी ठीक हो जाता है इन चीज़ों से। ये घी सर्दी की वजह से अभी जल्दी गर्म भी नहीं होगा, आज बना रही हूँ सिलेंडर पे तो काफ़ी देर लग जाएगी क्योंकि घी काफ़ी ठंडा हो जाता है, सख्त हो जाता है सर्दी में। ये अच्छी तरह बना के रखा हुआ था तो अब आंच भी काफ़ी तेज़ कर दी है लेकिन अभी घी गर्म नहीं हो रहा, सर में दर्द हो रही है। पहले तो ये गोली वगैरह कुछ खाती हूँ तो फिर बनाना शुरू कर। ये बाल्टी दूसरी में भी घी निकाल के रखा है, अगर ये घी कम हो जाएगा तो वो भी डाल लूँगी। ये आस्ता आस्ता गर्म होगा लेकिन काफ़ी देर लगेगी। उस दिन जो आंच पे बनाया था ऊपर चूल्हे पे आग जला के वो जल्दी गर्म बन गया था लेकिन आज काफ़ी देर लगेगी इस तरह। चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अमेमा के पापा भी, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें इस तरह शौक से खाते हैं। अमेमा के पापा को जो चीज़ें में इस तरह की काफ़ी पसंद है और कबीर बेटे को भी, चलो खा लेंगे सारे। एक चूल्हे पे मैंने ये घी रख दिया गर्म होने के लिए और दूसरे चूल्हे पर ये मैंने देसी घी रख ली है। अब चूल्हा करती हूँ, इस चूल्हे पे मैं बनाऊंगी चास।
ये थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें। और ये लिए मैंने चीनी, ये पीस में डाल देती हूँ। अब दूसरे चूल्हे पे चास तैयार हो जाएगी ना, एक चूल्हे से चास बनानी है, दूसरे घी गर्म हो गया तो हूँ अब मैं पानी है सूजी। सूजी भी मैं पा दी है, घी गर्म हो गया थी, छान के सूजी मैं चापर की पा ली थी।
हो गई है, ये थोड़ी जी ठंडी हो लें। हम मैं सूजी मैं हूँ ली है तो हूँ मैं पाती हूँ इन्हे पानी पहले गिरी कद्दूकस की हुई नाल पानी गिरियां कुटिया हुई बदाम दिया समान मैं थोड़ी देर इस तरह आप देख रख ली कि जो मेवे वगैरह थोड़ी जी नरम हो जाएंगे। चासवी में बच पा दी है तो हम मैं पा दी आज चने का कुछ है वह भी रहीम हम मैं जो चनिया का आटा बनाया थोड़े थोड़े पा के इन मिक्स करांगी नाल Thank you.
माशाल्लाह पंजीरी मेरी बड़ी प्यारी तैयार हो गई है। खुशबू भी बड़ी मज़े दी आ रही है। देखता मैं नीचे उतार के रख दी है लेना लग गए इस तरह अच्छा जी खा लो बीवी जी मजे दी माशाल्लाह मेरी मजेदार जी पनीरी तैयार हो गई है। मामा बेटा चढ़ते हो जाए सोने बोल दू हम चेक करो तो पीछे हो जाओ चलो कर देनी है कवर माशाल्लाह बड़े मजे की पनीरी बनती है। इस तरह अगर इंसान ने मेहनत की हो तो फल जरूर मिलता है। गर्म च मैं चम्मच के नाल खाओ ना हाथों ना खाओ चम्मच नाल खाओ कबीर बेटा मजे दिए अच्छा मामा बेटी क्या कर रही है झूले ले रही है हैं बबल भी खा रही है गंदा बच्चा बबल नहीं खाते नहीं खा रही है कपड़े तो पिछे हो जाए मैं धो के रखे अजय मैं छाते रख के आने गिले अजय पिछे हो जाओ तेरी टोपी भी रख दांगी और दसो जी क्यों सीढ़ियाँ तो जूता रखे पहने क्यों नहीं तू। ये थी हमारी आज की वीडियो जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।